दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड साइंस का, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मैंने आपको पार्ट वन में सब कुछ समझा दिया था कि डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री के अंदर क्या होता है, टंग का क्या काम होता है और बकल कैविटी में क्या होता है। ये सब हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके थे और हमने चार टीप के बारे में पढ़ा था, मूलक, कैनन और इंसिजर। और मैंने इन पर आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि कौन से दो टीथ ऐसी हैं कि जिनका जो फंक्शन है वो सेम रहता है, पर लेकिन मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया, मुझे उसका आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। आज हम पढ़ेंगे ओएसोफागस। ओएसोफागस को और हम क्या बोलते हैं, ओएसोफागस को हम बोलते हैं फूड पैक। मतलब दोस्तों जो फूड पैक होता है वही हमारा ओएसोफागस होता है। बताइए आपको यहाँ पर फूड पैक कहाँ पर नजर आ रहा है, फूड पाइप, पाइप से समझिए पाइप कैसा होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर ऐसे संरचना कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर ये क्या है हमारा फूड पाइप या ओएसोफागस। जो दोस्तों ये ओएसोफागस जो होता है वो गर्दन के चारों ओर और ये चेस्ट कैविटी जो होती है यहाँ पर पाया जाता है। जो फूड पाइप जो होता है वो जो फूड होता है हमारे उसको नीचे की ओर ढकेलने का काम करता है, और तब हमारा जो स्टमक होता है वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करता तो हमको वॉमिटिंग हो जाती है। यहाँ पर इतना ही बताया गया है। अब हम स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। जो स्टमक है एक थिक वॉल बैग है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे। यहाँ पर जे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा यू। यहाँ पर इंसिडेंट हो गया है दोस्तों। स्टमक का जो शेप है वो फ्लैटेंड जे जैसा है। क्या किस जैसा है, फ्लैटेंड जे। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। जो स्टमक है वो वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। तुम्हारा आंसर क्या होगा, स्टमक। द इनर इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ये फूड पाइप है, यहाँ से फूड कहाँ पर जाएगा, स्टमक में। स्टमक से फूड कहाँ पर जाएगा, इंटेस्टाइन में। इस लाइन को हमको एकदम याद करके रखना है। पता पड़ गई दोस्तों, क्योंकि हम इस ये नहीं कि इसी क्लास में हम इन सबको पढ़ने वाले हैं, हम अगली क्लासेस में भी इन सभी को पढ़ेंगे। ये चेन जैसी होती है, चेन जैसी संरचना होती है। अगर हम इसको याद कर लें तो हम इसको 9th, 10th, 11th, 7th, 8th, 6th सब में याद रखेंगे। बस हमको इतना याद करना है, सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी, उसके बाद क्या आता है फूड पाइप या ओएसोफागस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, फिर एनस। इन सभी चेन को हमको याद कर लेना है तो हमारे लिए आसानी होगी। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव यूसेज। यहाँ पर स्टमक जो है उसमें कुछ सेक्रेशन भी बताए गए हैं। म्यूकस जो होता है, म्यूकस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, डाइजेस्टिव यूसेज, इन सभी को कौन सेक्रेट करता है, हमारा स्टमक। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कई पेपर्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गए और 6th, 7th, 8th के स्कूल वाले एग्जाम हो गए, उन सभी में पूछा जाता है कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो दोस्तों जो म्यूकस होता है हमारे स्टमक को, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। और जो एसिड होता है वो कई बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर घर बना रहे होते हैं तो उनको मारने का, किल करने का काम करता है। तो डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो डाइजेस्टिव जूसेस जो होता है प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है और उसका फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। ये फिगर देखिए आप, यहाँ पर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर नजर आ रही है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है। तो आपको लंबी इंटेस्टाइन कौन सी दिखाई दे रही होगी, शायद स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है। लेकिन तब भी लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, मेरी ये समझ में नहीं आ रही। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहा जाता है। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड।
स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ओइल होती है एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। और दोस्तों जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 7.5 मीटर लेंथ किसकी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की। इट रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियास। यहाँ पर कुछ वो भी बताए गए हैं कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं लिवर और पैनक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर लिवर के बारे में बताया गया है। लिवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द राइट साइड। जो लिवर जो होता है दोस्तों वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड की तरह है, वो स्टमक के ऊपर सिचुएटेड होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जो दोस्तों लिवर है वो हमारे बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड है। कौन है, लिवर है। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी के लिए भी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, हमारा लिवर है। इट सेक्रेट्स बाइल जूस। और बाइल जूस कौन सा सेक्रेट करता है, देखिए यहाँ पर लिवर हो गया। लिवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। क्या, बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर कहाँ पर होता है, गैल ब्लैडर में। यहाँ पर देखिए चैन सी बन गई। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, लिवर उसके बाद लिवर सेक्रेट करता है बाइल जूस, बाइल जूस स्टोर होता है गैल ब्लैडर, याद हो गया। और द बाइल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। दोस्तों जो बाइल होता है वो फैट के डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अब हम पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। दोस्तों जो पैनक्रियास है वो एक क्रीम कलर जैसी ग्लैंड है जो कि स्टमक के नीचे सिचुएटेड होती है। द पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंटेंट। यहाँ पर बताया गया है कि जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पर पहुँचेगा, नॉर्मल सुबह लार्ज इंटेस्टाइन। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर्स। और यहाँ पर बताया गया है कार्बोहाइड्रेट शुगर में बदल जाता है, तो इसको याद कर लेना क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की उसमें भी ये पूछे गए हैं मैचिंग में, इसलिए इनको याद कर लेना। कार्बोहाइड्रेट किसमें ग्रुप डाउन होता है, ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमीनो एसिड। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो अब ब्लड वेसल्स होती है उनके द्वारा इंटेस्टाइन के वॉल्स में घूमता है। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन, इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। डाइजेस्टेड फूड का एब्सॉर्ब करना क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। द एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड डाइजेस्टेड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्ब करना क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विली। जो इनर वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें हजारों की संख्या में सिंगल लाइक आउटग्रोथ होते हैं उंगली जैसे, उनको हम विली कहते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई, विली। और सिंगुलर में विलस, जो विली का जो सिंगुलर है वो विलस है और जो विलस का प्लूरल है वो क्या है, विली। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली प्लेइंग इन द इंटेस्टाइन। क्या आप पता लगा सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली है उसका फंक्शन क्या होता है, तो काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में क्यों होती है, सभी को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो द विली इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विली होती है वो डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सर्फेस एरिया को बढ़ाती है। कौन बढ़ाती है, विली बढ़ाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद करना कर लेना। तो जो विली होती है वो डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सर्फेस एरिया को बढ़ाती है। Each villus has a network of a thin and small blood vessels close to its surface. सभी villus जो होते हैं, मतलब यहाँ पर singular का यूज किया गया है, जो villus जो होते हैं उनके पास thin, पतली small blood vessels होती हैं। The surface of the villi absorbs the digested food material. जो villi का जो surface होता है वो digested food material को absorb करता है। The absorbed substances are transported by the blood vessels to different organisms of the body where they are used complex। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको
एसिमिलेशन, हमने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसको आप थोड़ी सी बात सुनिए। यहाँ पर थोड़ा लेंथी दे रखा है, मैं आपको फॉर्म में बताता हूँ। हमने फूड का एब्जॉर्प्शन कर लिया तो उसको अब एनर्जी बनाने के लिए भी तो काम आएगा, तो जो प्रोसेस एनर्जी बनाने के लिए काम आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज नोन एज एसिमिलेशन। साधारण सी प्रोसेस हो गई है एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो सेल्स जो होते हैं उनमें जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है, जिसके बारे में और हम क्लास चैप्टर 10th में पढ़ेंगे कि जो सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। एंड एनर्जी रिलीज, और एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारी बॉडी का किस इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो फूड अनडाइजेस्टेड है और जो एब्जॉर्ब नहीं किया गया है अब वो कहाँ पहुँचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। अब यहाँ पर हम लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन पढ़ेंगे। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है। शायद मेरा आंसर इसी में तो नहीं छुपा, आप उसका आंसर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इट्स लेंथ। जो उसकी लेंथ होती है लार्ज इंटेस्टाइन की वो भी कितनी होती है, 1.5 मीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन की 7.5 मीटर। तो इन सभी को आप लेंथ को याद कर लेना दोनों की। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम फॉल फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है वो जनरली वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है, लेकिन वो कभी कभी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं उनमें से सॉल्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम। अब जो वेस्ट बचा है, अब जो वेस्ट बचा है वो कहाँ पर पहुँचेगा, रेक्टम में, एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम सिंपलाइजेशन। जब हम फीकल मैटर को टाइम से एनस से निकालते रहते हैं तो इसी को इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजेशन। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब यहाँ पर हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउस, बफेलोस एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चीविंग कंटिन्यूसली एवर व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने कभी देखा है काउ हो गई, बफेलो हो गया, कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स हो गए, वो खा नहीं रहे कुछ भी लेकिन अपने मुंह को तब भी चलाते हैं वो, क्या आपने कभी देखा है? हाँ देखा है। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। जनरली जो क्या होता है, ग्रास ईटिंग जो एनिमल होते हैं वो अपने भोजन को जल्दी जल्दी खा लेते हैं और उसको अपने एक स्टमक के पार्ट में रूमेन, क्या है रूमेन, उसमें कर लेते हैं स्टोर। फिर उनको तब भूख लगती है तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड आता है वापस उनके मुंह में और वो धीरे धीरे फिर चबाते हैं उसको। ये प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर प्रोसेस के नाम भी दे रखे हैं नीचे, देखिए। पार्शली डाइजेस्टेड फूड इस पर कर, यहाँ पर पार्शली डाइजेस्टेड जो फूड है मतलब जो बफेलो पाव के द्वारा खाया गया है और वो अपने ह्यूमन जो है स्टमक का पार्ट उसमें स्टोर किया गया उस भोजन को हम क्या बोलते हैं, कड़। क्या बोलते हैं, कड़। बट लेटर कड़ रिटर्न्स इनटू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल्स कीप दिस प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन। और जो कड़ जो होता है वो ग्राफी टू एनिमल्स के मुंह में दोबारा स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में आता है और उसको वो चबाते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन, और इन एनिमल्स को रूमिनेंट बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ कि बफेलोस काउस आर, बफेलोस काउस आर, ढंग से सुनना, बफेलोस काउस आर, ऑप्शन ए रूमिनेंट, ऑप्शन बी ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ऑप्शन सी बोथ एंड बी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है बफेलोस काउ आर, ऑप्शन ए ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ऑप्शन बी रूमिनेंट, ऑप्शन सी बोथ एंड बी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज।
जो ग्राफ होती है वो सेलुलोज में भरपूर होती है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल डियर एटसेट्रा बैक्टीरिया प्रिवेंट इन रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ रैबिट का फैल हो गए, इनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है, लेकिन ह्यूमन बींग के अंदर यह नहीं होता। सेलुलोज डाइजेस्ट क्यों नहीं होता ह्यूमन बींग के अंदर? क्योंकि वो बैक्टीरिया ह्यूमन बींग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ह्यूमन बींग सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में समर्थक नहीं है। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस रैबिट्स एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैकम। जो एनिमल्स रैबिट हॉर्स हो गए उनके पास लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉल्ड कैकम, जो कि ऑसोफागस और स्पोंजोसाइट के बीच में होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ये सभी मैंने अभी आपको बताया था। अब यहाँ पर बताया गया है कि सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विद प्रोसेस डाइजेस्ट सिस्टम। तो यहाँ पर बताया गया कि हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, इकड़ क्या होता है, रूमिनेंट क्या होता है, रूमिनेंट रूमिनेशन क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, कैकम क्या होता है। अब यहाँ पर हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा जनरली जो अमीबा होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। जो अमीबा है हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि हमको पॉन्ड वाटर में मिलता है। अमीबा है जो सेल मेम्ब्रेन राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूम्स इन साइटोप्लाज्म अमीबा में पाए जाते हैं। इन ये जो न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म में फूड वैक्यूम है, इनके बारे में हम 8th-9th क्लास में बहुत पढ़ने वाले हैं। अमीबा कंफर्टेबली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा जो है वो अपने शेप और पोजीशन को चेंज कर सकता है। इट पुशेस आउट वन और मोर सिंगल लाइक प्रोजेक्शन पर शैडोपीडिया। यहाँ पर उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसमें अमीबा में उनको शैडोपीडिया बोलते हैं। दोस्तों ह्यूमन बींग में भी शायद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उनको हम क्या बोलते हैं विली। और जो अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? शैडोपीडिया। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। और जो अमीबा होता है उसमें फॉल्स फीट होती है किसके लिए? मूवमेंट और फूड की कैप्चर करने के लिए। अमीबा फीड फ्रॉम्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट शैडोपीडिया अराउंड द फूड आर्टिकल एंड इंगल्फ्स इट। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल। दोस्तों ये फूड होता है फूड वैक्यूल में ट्रैप किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया गया है अमीबा के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना। और तो हमारे इस मंथ का टारगेट 4-5 दिन बचे हैं, हमको 1K सब्सक्राइबर पूरे करने हैं इस मंथ को, इसलिए हमारा